हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। लिटिल क्रिश की सुपर पावर्स, क्या मल्टी पावर्ड होगा क्रिश का बेटा? क्या होंगे लिटिल क्रिश की सुपर पावर्स? क्या फिर काल से जुड़ेगी कहानी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, सुपर पावर एक ऐसी विषय है जिसे हम सब ने अपने बचपन में गौर से जरूर मांगा होगा, कभी स्पाइडरमैन को देखकर तो कभी उड़ते सुपरमैन को देखकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में सुपर पावर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज रियल लाइफ में नहीं देख सकते उसे एक्सपीरियंस कराती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। फिर चाहे वो भूतों का डर हो या पृथ्वी पर एलियन अटैक, हमें यहाँ सब कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलता है। लेकिन इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि इंडियन फिल्म मार्केट में सुपर हीरोज की कितनी कमी है, जहाँ एमसीयू की फिल्मों में आजकल हमें एक सुपर हीरो के साथ एक फ्री मिल रहा है, वहीं यहाँ हमें एक भी नहीं मिल रहा। ऐसे में सारी होप्स टिकी हैं इंडिया के वन एंड ओनली सक्सेसफुल हीरो क्रिश के कंधों पर। हालांकि अभी तक क्रिश ने हमें निराश तो नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द क्रिश की वजह से हमें एक नए सुपर हीरो भी मिलने वाले हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, क्रिश 3 के एंड में जन्मे क्रिश के बेटे में भी वही एबिलिटीज हैं जो क्रिश में थी, या मैं कहूँ उससे ज्यादा, क्योंकि क्रिश फ्रेंचाइजी का हमेशा से ही एक कॉन्सेप्ट रहा है जिसे हम जेनेटिक पावर ट्रांसमिशन कह सकते हैं, यानी बढ़ती जनरेशन के साथ पावर भी ट्रांसफर होती चली जा रही है। जो एबिलिटीज रोहित मेहरा में थी उससे कहीं ज्यादा उसके बेटे में, और अब जब क्रिश का बेटा जन्म ले चुका है तो ऑब्वियसली उसकी एबिलिटीज भी क्रिश से बढ़कर ही होंगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं लिटिल क्रिश की कुछ नॉन और अननोन सुपर पावर्स के बारे में। सबसे पहली एबिलिटी तो खुद क्रिश में हमारे सामने शो की गई है, फ्लाइंग पावर्स, और अब वो भी क्रिश से थोड़ी बेहतर, क्योंकि अगर आप क्लाइमैक्स सीन पर थोड़ा गौर करें तो बेशक वहां क्रिश के बेटे को हवा में फ्लोट होता हुआ दिखाया गया था, और जब वो अपने बर्थ के वक्त एयर में फ्लोट हो सकता है तो ऑब्वियसली अपनी एज के साथ वो और तेजी से और बेहतर तरीके से हवा में उड़ सकता है। साथ ही क्रिश की स्ट्रेंथ, स्पीड और हीलिंग जैसी सभी पावर्स उसके बेटे में ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं, और जब इन चीजों को आप अपग्रेड करेंगे तो इनका फाइनल प्रोडक्ट बहुत ही एक्सट्रीम देखने को मिलेगा। यानी कि जो क्रिश अपनी स्ट्रेंथ से एक गिरती बिल्डिंग को रोक सकता है, वहीं उसका बेटा उसे उठाकर कहीं और रख सकता है। जहां क्रिश एक लंबे समय तक अंडर वाटर ब्रीद कर सकता है, वहीं लिटिल क्रिश परमानेंटली पानी के अंदर ब्रीद कर सकता है। साथ ही आप गौर करें तो क्रिश 3 के फाइनल फाइट के सीन में हमें क्रिश कुछ मेटल आर्म्स को दूर से ही रोकता नजर आता है, और काल भी दूर से ही कई चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और क्योंकि वो रोहित के भी डीएनए से बना था तो ऑब्वियसली लिटिल क्रिश में ये पावर्स भी एक्सट्रीम लेवल पर देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये तो बात हो गई उसकी नॉन पावर्स की, जिन्हें हम प्रीवियस फिल्म्स के कॉन्सेप्ट से समझ पाए, बट अभी तो उसकी अननोन पावर्स का पिटारा खुलना बाकी है, और इसके लिए बस थोड़ा सा वेट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमें कमेंट में बताइए आप क्रिश के बेटे में कौन सी नई सुपर पावर्स देखना चाहते हैं। धन्यवाद।